अमेरिका से दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान खरीदेगा इसराइल, $3 बिलियन में हुई डील। इसराइल ने गाजा युद्ध के बीच ही अमेरिका से $3 बिलियन में 25 F-25 लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता किया है। यह विमान 2028 से मिलने शुरू हो जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आएंगे इसराइल पहले से ही F-35 लड़ाकू विमान को ऑपरेट करता है। इसराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसे F-35 को मॉडिफाई करने का अधिकार है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तीसरे F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल ने $3 बिलियन के सौदे के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत इसराइल को लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 25 उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट मिलेंगे। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। यह विमान वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग की खूबियों से लैस है। 2028 से शुरू होगी डिलीवरी। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि F-26 विमानों की डिलीवरी 2028 से शुरू होगी, जो प्रतिवर्ष 3 से 5 के बैच में होगी। आने वाले वर्षों में इस विमान के साथ इजरायली वायुसेना के F-35I बेड़े की संख्या 75 हो जाएगी। इसराइल के 50 F-45 के मूल ऑर्डर में से अब तक केवल 29 की डिलीवरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि यह सौदा लगभग $3 बिलियन का है, जिसे इसराइल को अमेरिकी सैन्य सहायता द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसराइली वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच था विवाद खरीद को लेकर। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और वित्त मंत्री बेतजेल स्मोटरिच के बीच विवाद के लगभग सुलझ जाने के बाद यह हस्ताक्षर किए गए। स्मोटरिच ने रक्षा बजट पर विचार करने के लिए नियुक्त नेसेट समिति के गठन तक हस्ताक्षर पर वीटो लगा दिया था। गैलेंट ने हस्ताक्षर के बाद एक बयान में कहा कि अतिरिक्त 25 लड़ाकू विमान अमेरिका और इसराइल के बीच रणनीतिक गठबंधन की ताकत और निकट और दूर के क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रभावों का एक और उदाहरण है। लॉकहीड मार्टिन ने जताई खुशी। विमान निर्माता लॉकहीड मार्टिन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि वह 25 अतिरिक्त F-25 खरीदने के इसराइल सरकार के फैसले से प्रसन्न है। अमेरिका के बाद इसराइल दूसरा देश है जिसे लॉकहीड मार्टिन से F-35 मिला है और उन कुछ देशों में से एक है जिन्हें अत्याधुनिक विमान को संशोधित करने की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसराइल और अमेरिका के बीच एक समझौते के हिस्से के रूप में लॉकहीड मार्टिन और इंजन निर्माता प्रैट एंड व्हिटनी ने बेचे जाने वाले विमान घटकों के उत्पादन में इजरायली रक्षा उद्योगों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।